गुड इवनिंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से एक बार स्वर परीक्षा का सेशन हम करने जा रहे हैं। हम आज का सेशन शुरू करें उससे पहले आपको रागों की जातियों के बारे में कुछ ब्रीफ करूंगा मैं। थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है, थोड़ा सा वो बता के उसके बाद हम अपनी स्वर परीक्षा शुरू करेंगे। तानपुरे की आवाज बताइएगा, ज्यादा तेज तो नहीं है। मुख्यतः तीन तरह की जातियां रागों में पाई जाती हैं, संपूर्ण जाति, षड्ज जाति और औरव जाति। और आगे ये तीन जातियां फिर से हर एक जाति तीन तीन में विभाजित हो जाती है, जिससे टोटल नौ जातियां बन जाती हैं रागों की। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि संपूर्ण जाति के राग कौन से होते हैं, षड्ज जाति के कौन से और औरव जाति के कौन से। सो फ्रेंड्स, जब किसी भी राग में सात स्वर जाने में और सात स्वर आने में इस्तेमाल होते हैं, यानी आरों में भी और अवरों में भी सात सात स्वरों का इस्तेमाल होता है, तो वो संपूर्ण जाति का राग होता है। और इस तरीके से ही अगर किसी राग में आरोहों में और अवरोहों में छह छह स्वरों का इस्तेमाल होता है, तो वो मूलतः षड्ज जाति का राग होता है। और जब किसी राग में आरोह में और अवरोह में मात्र पांच पांच स्वरों का इस्तेमाल होता है, तो उस राग की जाति क्या हो जाती है, औरव जाति का राग हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि फिर ये तीन जातियां जो है बेसिकली संपूर्ण, षड्ज और औरव, ये आगे तीन तीन जातियों में और विभाजित हो जाती है। तो इनके नाम फिर हो जाते हैं संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण षड्ज, संपूर्ण औरव, यानी संपूर्ण इस तरह से तीन जातियों में विभाजित हो जाएगा। और फिर षड्ज भी तीन जातियों में विभाजित हो जाएगा, षड्ज संपूर्ण, षड्ज षड्ज और षड्ज औरव। और इसी तरीके से जो औरव जाति की, औरव जो जाति है वो भी आगे तीन जातियों में विभाजित हो जाती है, औरव संपूर्ण, औरव षड्ज और औरव औरव। तो आई होप दैट ये थ्योरी का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है मूलतः कि जिस राग में सात स्वर जाने में और सात स्वर आने में इस्तेमाल होते हैं वो संपूर्ण जाति का राग होता है, जिसमें छः छः स्वरों का इस्तेमाल होता है वो षड्ज जाति का राग होता है, और जिसमें जिस राग में पांच स्वर जाने में और पांच स्वर आने में लगते हैं, यानी आरोह में और अवरोह में पांच पांच स्वरों का इस्तेमाल होता है, वो औरव जाति का राग होता है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना स्वर परीक्षा सेशन। सबसे पहले मैं सा लगाऊंगा, सी स्केल पर है मेरा, जो मेरा आज का स्केल है म्यूजिक का, वो है सी, टोनिक नोट सी है। तो सी पर मैं सा लगाऊंगा और उसके बाद मैं आकार बोलूंगा, आप लोगों को गेस करना है। sa बताइएगा अगर आप पहचान पा रहे हैं कि ये जो मैंने आकार में लिया है कौन सा स्वर है, तो जल्दी से चैट में टाइप करें। इसे देखिए, सा अब आकार में देखिए, इस स्वर आपको बेस करना है। वेरी नाइस, मेरे पास एक राइट आंसर आ चुका है, अभी मैं उसे डिस्क्लोज करूंगा।
जी हाँ, गा सही उत्तर है, रिदम लिरिक्स स्टूडियो से उत्तर आया है, गा सही आंसर है। देखिए बार बार टाइप मत कीजिए, आई गॉट योर आंसर। नेक्स्ट नोट लेता हूँ मैं, देखिए पहचानिएगा कौन सा स्वर है ये। एक सवाल आया है मेरे पास कि आप क्या पढ़ा रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं संगीत की शिक्षा आप लोगों को दे रहा हूँ। जी रमेश जी, बिल्कुल सही बताया आपने, रे है ये, रे शुद्ध। अगला स्वर लेते हैं गैस कीजिए कौन सा नोट है। विनोद सुकुमार जी का उत्तर सही है, कोमल गा था ये। कुमार विकास पूछ रहे हैं कि पेट से कैसे करें। देखिए विकास जी, ऐसा है कि जो आपका सा लगाने का तरीका होता है सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। अगर आप सा, जो सा है उसको लगाने के लिए आकार में ले रहे हैं, हाकार में ले रहे हैं या ओमकार में ले रहे हैं, उसको वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप बेसिकली अपनी किस आवाज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और तीनों के अपने अपने फायदे हैं, आप आकार करते हैं तो अलग फायदा है वॉइस में, आप हाकार करते हैं तो अलग फायदा है, आप ओंकार बोलते हैं तो आपकी आवाज में गूंज पैदा होती है। तो बेसिकली जब आप हर तरीके से सा को लगाना सीख जाते हैं तो कभी आपके, कभी माध्यम आपका चेस्ट रहता है, कोई स्वर बोलने से माध्यम आपका जो है वो स्टमक यानी पेट हो जाता है, और कभी जो है जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि ऊंचे नोट लगाने के लिए आवाज़ कहाँ से आती है, आवाज़ आपके तालू के माध्यम से जाती है, जो आपके जीभ के ऊपर जो तालू होता है, आपको ऊंचे नोट लगाने हैं तो तालू आपका माध्यम हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि सही तरीके से रियाज करेंगे तो सब कुछ होगा। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एकदम से, इसको आप एक्सप्लोर करिए अपने गुरु के साथ
मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप वीडियोस को सीरियसली पूरा पूरा फॉलो करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आपसे, आपके साथ चैट चलती रहेगी कुमार विकास जी, मैं अपना अलग अगला स्वर ले रहा हूँ। मैं ज़रूर बताऊँगा आपको साग कैसे लगाएं। आपने लगता है हमारे सारे वीडियो नहीं देखे, तो आप पहले खुद लिख कर बताएं कि आप कैसे साग लगाते हैं। चलिए अगला स्वर लेते हैं, सा। बताइए कहीं कौन सा स्वर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं ओम और आकार से सा लगाता हूँ, तो अभी अगर ओम और आकार से लगाते हो तो अब हाकार से भी लगाना शुरू कर दो। ओमकार, आकार और हाकार भी किया करो, तो फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं, आपकी वॉइस अपने आप ही जो है सेटल हो जाएगी। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पेट से कैसे लाते। चलिए डिस्क्लोज करते हैं, ये शुद्ध मध्यम था, शुद्ध मां। अगला स्वर देखते हैं, सा। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस स्वर परीक्षा से बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप सीरियसली इसको फॉलो अप कर रहे हैं इस स्वर परीक्षा को, तो आप पता कर पा रहे होंगे कि आप किस स्वरों की आपको कितनी पहचान है। तो बेसिकली बहुत जरूरी है, ताकि अगर कहीं गलत है तो आप सुधार कर सकते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि आपको अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सब म्यूजिक लवर्स दोस्तों के साथ। वेरी गुड, पा जो है सही उत्तर है, ये पा है। अगला स्वर देखिए, सा। हाँ, ये स्वर बताइएगा। वेरी गुड, लगता सबका आंसर सही है, सब लिख रहे हैं धा, बट आपको मेंशन करना चाहिए कोमल धा है या शुद्ध है, तो शुद्ध धैवत इसका उत्तर है। बताइएगा,
एक हमारे मित्र लिख रहे हैं सात तीव्र, लेकिन इंडियन क्लासिकल में सात तीव्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। इससे पहले जो मैंने स्वर बोला वो कोमल धैवत था, कोमल था। अगला स्वर देखिए, स आकार का स्वर आपको कैसे करना है। कुछ लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं इसमें, सा ही था ये बेसिकली। मैंने सा सुर लगाया शुरू में और उसके बाद भी मैंने सा ही लगाया था। तो स्टेज देयर सम पीपल आर सेइंग गा एंड मा, अगला स्वर देखिए सा बताइएगा कि कौन सा स्वर था। सही पहचाना, मंद्र सप्तक का शुद्ध धैवत है। विनोद सुकुमार जी और विकास जी दोनों ने सही पहचान। चलिए आज का आखिरी स्वर बोल रहा हूं मैं, कोशिश कीजिएगा गेस करने की।
दोबारा सुन लीजिए, जिन्होंने कोमल कोमल ऋषभ बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। चलिए थैंक यू सो मच। एक हमारे पास क्वेश्चन है अभी इसमें कि आपने पूछा सर कैन यू टेक क्लासेस एवरी डे, प्लीज मेंशन हियर वुड यू वांट टू Which type of classes are you asking for? Offline, online, or like YouTube? On YouTube, you want classes? Please mention. विकास जी अभी राइट नाउ मैं वीक में 3 डेज कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग, और जनरली यही टाइम रहता है शाम को 9 बजे। और अभी तो हम स्वर का सेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने ताल के सेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें अगर आपको ताल में गाने में कहीं दिक्कत है तो हमारे सेशन से आपको हेल्प मिलेगी। और रेगुलर अपलोड्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट मैं रन कर रहा हूँ अपने चैनल पर, तो आप जुड़ जाइए चैनल से, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी है, जो भी चैट ने आंसर मुझे नहीं दे पा रहे, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। वैसे मेरे हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, 9416074087। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए, तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Goodbye, take care and have a very good time.